जय बालाजी की, जय बालाजी की। ये है बालाजी महाराज का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ आकर मन्नत मांगता है बालाजी महाराज उसकी मन्नत अवश्य ही पूरी करते हैं। जय बालाजी। दोस्तों, आज हैं हम हिसार में इस समय अपने दोस्त राजकुमार जी के पास और मिलवाते हैं आपको अपने मित्र राजकुमार जी से। ये देखिएगा, ये चाय का जो है आनंद ले रहे हैं अभी। हाँ, चाय का आनंद ले रहे हैं सर। और सुनाइए सर, कैसे हैं आप? बस आपका जब से आगमन हुआ है तो हमारी तो बाछे खिली हुई है। अरे वाह सर, वाह जी वाह, वाह जी वाह सर, क्या गजब। भाभी जी से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी सर। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं जी, पर बोलते उसमें बहुत ही कम बोलते हैं। वैसा वैसा है, जैसे जो जोड़ा होता है ना उसमें बोलने का अधिकार एक को ही होता है। बोलने का काम ना पीके निर्वाल जी को दे रखा है, सर कंगे से खुजा रहे हो, बाल तो है नहीं जी। हाँ जी, हाँ जी निर्वाल साहब। यार हमें आपसे कुछ पूछना था। कमाल है सर, आपका पूरा हक है सर। एक तो थोड़ा सा हमें आप साला सर के विषय में थोड़ा बताइए, वहाँ मतलब क्या खास साला है? सर धाम में बालाजी के दर्शन अपने को बहुत बढ़िया होंगे वहाँ जी। जी, और उसको तो एक हनुमान जी की जो है ना जी शक्तिपीठ बोल देते हैं उसको, कि भी जो भी आपकी इच्छा आप अपनी वहाँ जाहिर करते हैं वाजी वाह, बालाजी की कृपा से वो इच्छा पूरी हो जाती है। वाजी, मैं तो पिछले 30 साल से जी प्रभु दर्शन के लिए उनके यहाँ जाता हूँ जी, सन 1992 से। बहुत बढ़िया। जो जो मन में इच्छा रखी वाह, बालाजी महाराज ने हमेशा देर सवेर हमारी पूरी की, और कष्टों का निवारण जो है जी वहाँ बहुत अच्छा हो जाता है जी। उनकी कृपा तो सर सभी भक्तों पर बरसती है। बिल्कुल, और बरसनी भी चाहिए। यार सिंगला जी। हाँ जी। तुहाडे हरियाणा विच आज कर्फ्यू लग गया के? कोई कर्फ्यू नहीं लग गया सर, जो कहोगे आप वही गाना सुनाओगे। नहीं, सड़कें तो वीरान है आपकी यार। सड़कों का इसका तो बहुत ही बढ़िया जाल बिछा हुआ है यार। सकल तो दिखा दो आप अपनी। और बहुत ही तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अरे क्या बात है। अरे यार इधर तो दिखा दो आप। सुंदर साहब हम कहाँ गए? ये रहा डेजर्ट रेस्टोरेंट। डेजर्ट? हाँ, इसको लोग मिनी दुबई भी बोल देते हैं। अच्छा, मिनी दुबई जी। ओ तो यहाँ आप क्या करेंगे, चाय पिलाएंगे क्या? यहाँ बहुत ही कड़कदार चाय आपको मिलेगी। तो हम रुके हैं इस समय सालासर जा रहे थे तो रास्ते में रुक गए, यहाँ एक रेस्टोरेंट मिला और यहाँ पर ये ऊंट जो है अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए हैं। भाई सिंगल साहब। हाँ जी सर। टूर करके सफर करके मजा आ गया। वाह जी वाह सर, ये तो क्या रहता है, प्रभु कृपा रहती है कि कब प्रभु संयोग बना दे। हाँ। अपनी कोई प्री प्लानिंग थोड़ा थी भी उस तारीख को जाएंगे। मैं वैसे यार आपने गाड़ी कहाँ सीखी चलानी? मैंने तो सर माँ के पेट में ही सीख ली थी। अरे वाह भाई वाह जी वाह। कैसे हो दोनों भाई? और लाइसेंस कब बनवाया? वो वही बनवा लिया था क्या? लाइसेंस। सर हम कहाँ गए? सर अपन आज यहाँ पर फतेहपुर में है जी, जिस चौराहा पे अपन है। हाँ जी। अपन यहाँ बैठे हैं उसके लेफ्ट साइड में जयपुर है 166 किलोमीटर। राइट। और बीच में जो है 166 किलोमीटर नागौर। राइट। और यहाँ बीकानेर जो है वो भी यहाँ से 166 किलोमीटर है। वाह। और अपन पीछे जो है हिसार छोड़ के आए हैं। वाह जी वाह। वो भी 166 किलोमीटर है। वाह। तो इस एरिए की जो भौगोलिक स्थिति है जी बहुत ही शानदार है, कि भी चार बड़े शहर बराबर दूरी पे 166 किलोमीटर पे यहाँ से है। बचपन में दिशाओं में जी, बचपन में मैथ्स टीचर ने जो हमें मैथ पढ़ाया था ना ट्रिग्नोमेट्री, और मैं सोच रहा था कि यार वो मेरे काम नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन वो आज काम आ गया भाई। हाँ, है ये। अरे वाह जी वाह। तीन तीन भुजा बराबर तो क्या बन गया सर? ये बन गया सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अरे वाह जी वाह। इसमें की तीनों भुजाएं बराबर दूरी की भाई साहब। मैथ्स टीचर को सैल्यूट। और उनका जो है आप एंगल भी लगाएंगे। गुरुवार प्रणाम। हाँ, तीनों का एंगल। सर अब इस समय हम कहाँ हैं? इस समय हम सालासर से 5 किलोमीटर जी पीछे कह सकते हैं जी, और ये सीधा रोड जो है ये नागौर को जाएगा जी,
और ये रतनगढ़ को, रतनगढ़ होते हुए बीकानेर। जी जी, तो ये राजस्थान के दो बड़े शहर। तो ये एक चौक है यहाँ पर, ट्राइंगल, चौक नहीं है। तो दोस्तों एक ट्राइंगल है, यहाँ से मिसार से आए और ये नागौर को रास्ता जा रहा है और यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से रतनगढ़ चले गए हैं। और सर ये कहाँ जाएंगे हम? ये हम जाएंगे बालाजी धाम सालासर। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर सर? 5 किलोमीटर यहाँ से। तो यहाँ से 5 किलोमीटर है और इस आप ट्राइंगल का ध्यान रखें कि यहाँ से ये रोड मुड़ती है। थैंक यू। हाँ जी जनाब। ये साहब आपके रहते, देखिए ये जो पिछले पैसेंजर हैं ये पूरा आनंद ले रहे हैं जी। हाँ, पैसेंजर कहूँ या इन्हें टूम कहूँ, आप टूम का आग्रह। हाँ जी है? टूम है सर, टूम। टूम है ना आपकी? जोखिम सर, जोखिम। जोखिम, तो सर ये उदास सी बैठी दोनों। हम क्यों साहब? नहीं उदास तो क्या है जी, प्रभु ने इनको इतना सब, आपने इनको चाय वाय नहीं पिलाई क्या कहीं? चाय सर इनको कड़ाकेदार पिलाई थी, वो चाय दुबई में। तो इनकी शकल क्यों उतर रही है फिर? बस ये थोड़ा थक गए, ड्राइविंग कुछ ऐसी थी ना मेरी। अरे नहीं सर, आपकी ड्राइविंग तो बहुत बढ़िया है। हा? फिर भी सर मैं क्या कहूँ साहब, ड्राइविंग तो वो पीछे भैया बैठे उनके भी लाजवाब थी यार। अपने उनका नाम है सिकंदर। सिकंदर मुकद्दर का। अरे मुकद्दर का सिकंदर, अरे वाह। और आप मेरे सिंगला जी? वाह जी वाह। हम हैं यहाँ के राजकुमार हैं जी। हाँ जी, आप तो राजकुमार हैं। ये है हमारी सरकार जी। और क्या, ये भी काम कर रहा हूँ। हाँ। तो सर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से अभी सालासर धाम दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे मंडावा जी। मंडावा में क्या है सर? मंडावा में है मंडावा जी। मंडावा। हाँ हाँ। ये क्या हुआ? मंडावा में हवेलियाँ हैं, वहाँ रुकेंगे, राजा का महल है। अच्छा। उसको भी होटल में कन्वर्ट किया। तो महल में आपकी जगह मिलेगी? बिल्कुल बराबर मिलेगी सर, सब बुक किया हुआ है। महल में जगह मिलेगी हमें? बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार, अरे यार, राजा महल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अरे वाह, ये हमारे, ये हमारे राजकुमार हैं। बोलो भाई, बालाजी धाम की जय। आप सबको बालाजी धाम की यात्रा शुभ हो, आप खुशी खुशी घर जाए और आपके मन की मुरादें पूरी हो, पूरी हो। हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ। तो दोस्तों अब चलते हैं बालाजी के मंदिर में, वहाँ हमें बालाजी महाराज के दर्शन होंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब आ गए हैं, ये बाहरी हिस्सा है बालाजी महाराज के मंदिर का। यहाँ पर अच्छे अच्छे होटल भी हैं, देखने लायक जगह है। अगर कोई घूमने आए तो उसके लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। आगे चलते हैं, आगे बाजार है। बाजार में मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ लिखी देखी कि यहाँ नज़र उतारने की बत्ती मिलती है। किस प्रकार के लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हम अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं, हम अंधविश्वास में न फंसे। बालाजी महाराज की कृपा सभी पर होगी जो सच्ची भावना से यहाँ उनके दर्शन करने आएंगे। बालाजी महाराज उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ये है सर हमारा, ये बालाजी का धाम, ठीक है ना? ये बालाजी मंदिर सालासर धाम, गेट नंबर 1, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार जी जी जी। दोस्तों भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अनेकता में एकता है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं लेकिन प्यार से रहते हैं। यहां पर अलग अलग धर्मों के लोग व्यापार कर रहे हैं। ये आ गया है बालाजी महाराज का बाहरी गेट। इससे अंदर प्रवेश करते हैं तो जब आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा कुंड आता है जिसे अग्निकुंड कहते हैं और यहाँ पर उपले आदि की पूजा की जाती है और उनका चढ़ावा भी किया जाता है। इसी के आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक ये पेड़ है जिस पर मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। सर कैसी रही हमारी यात्रा? बहुत बढ़िया। दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए जी। खुश हो?
गुर्जे वाले जी जी जय बालाजी की, जय बालाजी की।